राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से स्थितियों की व्याख्या करती रही है, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष में बैठे सिंहासन पर टकटकी लगाई पार्टियां। संसद भवन के उद्घाटन पर चल रहे वार पलटवार के दौर में हमें उन तथ्यों के आईने में वर्तमान का अक्स देखना पड़ेगा जिसे राजनीति ने धुंधला कर दिया है। संसद पर संग्राम, न्योता मिला नहीं कि विपक्ष ने बवाल काटना शुरू कर दिया। ये हाल है 28 मई को संसद की नई इमारत के उद्घाटन समारोह का। कार्ड में लिखा है कि 28 मई को पीएम मोदी के कर कमलों से नए संसद भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। विपक्षी महासंग्राम के पीछे कार्ड पर लिखा यही मजमून है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह पीएम मोदी के कर कमलों से उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल माहौल बनाने लगे। लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़ा हो गया। संविधान के तकाजे भी गिनाए जाने लगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस को उसके दो प्रधानमंत्रियों की याद दिला दी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण दे डाला। मोदी करेंगे उद्घाटन तो दिक्कत कैसी, सरकार की दलील। जब इंदिरा संसद एनेक्सी का और राजीव संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं। विपक्ष की दलील, संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी और राष्ट्रपति सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी। उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होता। संविधान का भी हवाला दिया गया। शशि थरूर ने बोला हमला, संविधान का दिया हवाला। आर्टिकल 60 और 111 का जिक्र, जिसमें साफ है कि संसद के प्रमुख राष्ट्रपति, यानी जिस संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति हो वहाँ ना तो भूमि पूजन राष्ट्रपति के हाथों हुआ और ना ही उद्घाटन का मौका उन्हें दिया गया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का सबसे बड़ा तर्क यही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी फुल एक्शन में आ गए। 24 मई के एक ट्वीट में राहुल कहते हैं, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना कराना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। चलिए, जब बात संविधान की कही जा रही है और हवाला अनुच्छेद का दिया जा रहा है तो एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि आर्टिकल 60 और 111 है क्या। संविधान का आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित, राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ा पैराग्राफ बताता है ये आर्टिकल, यानी राष्ट्रपति को शपथ लेते वक्त ये बोलना है। आर्टिकल 60 के मुताबिक क्या कहता है आर्टिकल 60, मैं अमुक, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन ईमानदारी से करूँगा और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान की रक्षा और बचाव करूँगा, साथ ही मैं भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित रहूँगा। यानी जैसा कांग्रेस कह रही है वैसा कम से कम आर्टिकल 60 में नहीं। वहीं अनुच्छेद 111 को समझे तो इसके मुताबिक संविधान का आर्टिकल 111 विधेयकों से जुड़ा हुआ है। विधेयकों के संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित है। वैसे भी देश का संविधान कानून बनाने, कानून का पालन करने और प्रक्रियाओं के बारे में रोशनी डालता है, ये इसका दस्तावेज है। भवन का शिलान्यास और उद्घाटन दरअसल संवैधानिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और पारंपरिक तकाजों पर निर्भर करता है, इसका संविधान से लेना देना नहीं।
और यही बात तब भी देखी जाती है जब किसी राज्य में या केंद्र के स्तर पर योजनाओं के विज्ञापन आते हैं, तो फोटो सीएम और पीएम की होती है, न कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने, संयुक्त सत्र को संबोधित करने से जुड़े प्रावधान संविधान में जरूर है, लेकिन इससे इतर संसद के निर्माण, शिलान्यास और उद्घाटन जैसे मुद्दे अक्सर राजनीति से गाइडेड होते रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी की ओर से राजीव और इंदिरा के वक्त शिलान्यास और उद्घाटन का जो हवाला दिया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है। संसद भवन एनेक्सी का मामला। 3 अगस्त 1970 को आधारशिला राष्ट्रपति वीवी गिरी ने रखी थी। उद्घाटन तब की पीएम इंदिरा ने 24 अक्टूबर 1975 को किया था। सत्ता पक्ष कांग्रेस को 1987 में संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग की भी याद दिला रही है, तो ये भी जान लेते हैं कि तब क्या हुआ था। संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की नींव राजीव ने रखी, भूमि पूजन स्पीकर ने किया और उद्घाटन राष्ट्रपति ने। संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की नींव 15 अगस्त 1987 को रखी गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी नींव। भूमि पूजन 17 अप्रैल 1994 को तब स्पीकर रहे शिवराज पाटिल ने किया। लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन 7 मई 2002 को राष्ट्रपति नारायणन ने किया। संविधान में जो लिखा है वो आईने की तरह साफ है, परंपराएं जरूर राजनीतिक शालीनता और तकाजों से बंधी होनी चाहिए, और अफसोस कि इसकी फिक्र ना इस ओर है ना उस ओर, क्योंकि यहाँ सिर्फ है राजनीति का जोर।